वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सो दिस इज पाथफाइंडर चैनल, और पाथफाइंडर चैनल एक अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम आपको 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज प्रीलिम्स 2023 के करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं और मेजोरिटी क्वेश्चन जो होंगे इसी के अंदर से पूछे जाएंगे, बिकॉज हम बहुत ही कॉम्प्रेहेंसिवली इसको कवर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा काम हम पिछले बार भी कर चुके हैं, पिछले साल भी 80% क्वेश्चंस जो थे 1.5 ईयर करंट अफेयर्स में से आए थे। राइट, सो बिफोर स्टार्ट काइंडली लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल और नॉट, सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर। एनीबडी इन द क्लास कैन गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर। यस, एनीबडी इन द क्लास कैन गिव मी अ थम्स अप सो दैट वी कैन स्टार्ट द लेक्चर। एंड बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट अनअकैडमी यूपीएससी सीएससी कैटेगरी के अंदर एक बहुत लार्जेस्ट, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। राइट, और यहाँ पर आप देखेंगे यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन के अंदर नए नए इनोवेटिव स्टेप्स लेते हैं अनअकैडमी, जिसके कारण जो भी आपका जैसा भी टाइम चल रहा होता है, जैसे अभी प्रीलिम्स का टाइम है, ठीक है, तो प्रीलिम्स के लिए स्पेशल बैच विल बी लॉन्च्ड बाय द अनअकैडमी, है ना, इज लॉन्च्ड बाय द अनअकैडमी। राइट, तो देखिए यहाँ पर लाइव डीवी कोड के साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। राइट, एज वेल एज माई गाइडेंस विल बी देयर विद यू, इफ यू यूज अ कोड लाइव डीवी देन माई गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड टू यू। राइट, चलिए तो इसके अंदर हम देखें तो अनअकैडमी आपको क्यों ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स विल बी देयर, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज द कोर्सेज, मतलब इफ यू डू नॉट लाइक वन कोर्स यू कैन शिफ्ट ऑन अनदर कोर्स। ठीक है, अनलिमिटेड व्यूज ऑन द लेक्चर, जैसे कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, वैसे आप प्लस प्लेटफॉर्म पर या फिर आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिंटेड कॉम्प्रेंसिव नोट्स, एंड टू एंड प्रिपरेशन, ये सारे फीचर्स अनअकैडमी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। अभी ये इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके लिए मैं आपको बता रहा था कि अटेंशन 2023 एस्पिरेंट्स, ठीक है, 3 मंथ्स का एक क्रैश कोर्स हम करा रहे हैं, ठीक है, यूपीएससी सीएससी 2023 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम जिसको हम बोल रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको अभी अगर कुछ डाउट है कि सर हमारी प्रिपरेशन में हमको डाउट है, हम नहीं कर पा रहे प्रिपरेशन अच्छे से, ठीक है, तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर लें। ठीक है, प्रीलिम्स के अंदर डाउट हो रहा है सर प्रीलिम्स होगा कि नहीं होगा, ऐसा थोड़ा भी डाउट है, तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पर इसके अंदर कराई जा रही है। राइट, तो ये आप प्लस के अंदर भी ले सकते हैं, आइकॉनिक में भी ले सकते हैं। आइकॉनिक में यही है कि 1+1 मेंटरशिप प्रोग्राम है ये, डिस्कॉर्ड डाउट सॉल्विंग इज देयर, ठीक है, लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं अगर आप ओल्ड राजेंद्र नगर में रहते हैं, तो ऑफलाइन टेस्ट भी आप इसके अंदर दे सकते हैं अनअकैडमी पे, अनअकैडमी की ऑफलाइन टेस्ट अगर आप यहाँ पर इस तरह से अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो प्लस और आइकॉनिक के अंदर ये डिफरेंस है। फिर ये प्रीलिम्स सक्सेस प्रोग्राम के फीचर हैं, ये अभी ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए इसमें अगर आपको करना है तो 9th फेब से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो देर ना करें। ठीक है, अगर ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि अगर 9th फेब भी निकल जाए, राइट, तो अगर आपको प्रीलिम्स में दिक्कत आ रही है तो आप लाइव डीवी कोड के साथ यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मैं आपके साथ रहूंगा पूरी प्रिपरेशन में, नो डाउट अबाउट दैट। ठीक है, प्लस ये हमारी टीम यहाँ पर रहेगी जो आपको गाइड करेगी, तो प्लस जीएस और आइकॉनिक जीएस यहाँ पर इस तरह से 2 प्रोग्राम। राइट, इसी तरह से फेब नोट्स बोनांजा ऑफर इज देयर। ठीक है, अगर आप अवेल यूपीएससी सीएससी प्लस जीएस कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 इयर्स एंड अबव एंड गेट यूपीएससी सीएससी नोट्स एब्सोल्युटली फ्री, ये भी इसके अंदर फेब के अंदर ये है, वैलिड अप टू 4th फेब। राइट, लाइव डीवी कोड यहाँ पर भी यूज करना है। ठीक है, चलिए इसी साथ एनसीईआरटी के कोर्सेज भी यहाँ पर लॉन्च करे गए हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, 6th से लेकर 12th एनसीईआरटी के कोर्सेज आप यहाँ पर ले सकते हैं। राइट, इसी तरह से यहाँ पर ईएमआई पर भी आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 4364 पर मंथ पर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आपको इस पर कॉल करना है 8585858585, ठीक है, इस पर कॉल करना है, कहना है कि लाइव डीवी कोर्स सब्सक्रिप्शन चाहिए एंड यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन ऑन ईएमआई। ठीक है, चलिए तो अभी आज 5 बजे क्लास होगी इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस की, ठीक है, और 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स जो हैं, ठीक है, इसके एमसीक्यू सेशंस चल ही रहे हैं। आज क्लास हुई थी एमसीक्यू सेशन की, किस किस बच्चे ने अटेंड नहीं करी, जिसने अटेंड नहीं करी प्लीज अटेंड दैट, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्रिक्स आपको समझ में आनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, एमसीक्यू अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व द एमसीक्यू। एंड आज अतीक्षा को का फर्स्ट रैंक आया आज क्लास के अंदर। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, कि 7 आवर का महामैराथन सेशन अभी होने वाला है नेक्स्ट जल्दी ही। राइट, अपन करते हैं पहली न्यूज डिस्कस। ठीक है, निपुण भारत स्कीम को अभी रिव्यू करा गया, एक्चुअली इसकी एक रिव्यू मीटिंग ली गई थी, दैट्स वाई पीआईबी की न्यूज के अंदर ही आई थी, दैट्स वाई इट इज इन द करंट अफेयर्स। निपुण भारत क्या है, देखो यहाँ पर ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का प्रोग्राम है। निपुण भारत का मतलब भारत को निपुण करना है, निपुण का मतलब क्या होता है, भारत को एक तरह से स्किल्ड करना है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये है ना छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम, ठीक है, ये छोटे बच्चों के लिए प्रोग्राम जिसके अंदर इनकी फाउंडेशनल लर्निंग, फाउंडेशनल प्रोग्राम है, फाउंडेशनल प्रोग्राम है जिसके अंदर लिटरेसी और न्यूमरेसी जो है उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ठीक है, निपुण भारत, तो निपुण बना रहे किसको,
बड़े लोगों को नहीं, बच्चों को निपुण बना रहे हैं, ठीक है, निपुण बना रहे हैं बच्चों को, जिसके अंदर उनकी फाउंडेशनल लिटरेसी एज वेल एज फाउंडेशन न्यूमरेसी वाला जो डायमेंशन है उसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये प्रोग्राम है और यहाँ पर देखिए हैज बीन लॉन्च टू एंश्योर द एवरी चाइल्ड इन द कंट्री, कोई भी बच्चा कंट्री के अंदर इन द कंट्री नेसेसरी अटेन्स द फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ द ग्रेड थर्ड बाई 2026 से 2027। तो हर बच्चा जो ग्रेड थर्ड तक क्या कर लेगा, फाउंडेशनल न्यूमरेसी और फाउंडेशनल लिटरेसी के अंदर क्या हो जाएगा, अच्छा हासिल कर लेगा, प्रोफिशिएंसी हासिल कर लेगा। निपुण स्टैंड्स फॉर द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी मतलब यहाँ पर आप देखेंगे फाउंडेशनल लिटरेसी और फाउंडेशनल न्यूमरेसी के ऊपर फोकस किया गया है। अब देखिए सबसे पहले आप समझिए फाउंडेशनल लिटरेसी क्या होता है, ठीक है। फाउंडेशनल लिटरेसी क्या है, ओरल लैंग्वेज, डिकोडिंग, रीडिंग फ्लुएंसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग, ये सब चीजें आ जानी चाहिए क्लास थर्ड के बच्चे को, सारे जो भी क्लास थर्ड के बच्चे का पहले पहले इससे पहले पहले ये आ जानी चाहिए, ठीक है, क्लास थर्ड से पहले पहले, ग्रेड थर्ड से पहले ये आ जानी चाहिए फाउंडेशनल लिटरेसी के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर ये बात समझिए कि क्लास थर्ड के बच्चों को अब ये कब तक का प्रोग्राम, 2026 से 27, अब ये याद कर लीजिएगा 2026 से 27 का ये प्रोग्राम है। दूसरा क्या है, फाउंडेशनल न्यूमरेसी मतलब प्री नंबर कंसेप्ट, काउंटिंग, अंडरस्टैंडिंग द नंबर सिस्टम, नंबर एंड ऑपरेशंस ऑन द नंबर, ठीक है, प्लस माइनस सबट्रैक्ट ये सब चीजें, शेप एंड स्पेटियल अंडरस्टैंडिंग कि ये ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इस तरह से, राइट, मेजरमेंट्स, डेटा हैंडलिंग, ये सब चीजें क्या होता है, फाउंडेशनल न्यूमरेसी। तो फाउंडेशनल न्यूमरेसी और फाउंडेशनल लिटरेसी, ठीक है, ये दोनों आ जानी चाहिए बच्चे को, ठीक है, तीसरी क्लास से पहले, थर्ड क्लास, ग्रेड थर्ड से पहले, ठीक है, 2026 और 2027 तक का ये टारगेट है हर बच्चे को, जो भी थर्ड क्लास में होगा उसको ये चीज आ जानी चाहिए, फाउंडेशन न्यूमरेसी और फाउंडेशन लिटरेसी। तो देखिए निपुण भारत कम्स अंडर द एजेस ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा, देखिए समग्र शिक्षा अभियान है, ठीक है, वो उसके अंदर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दिस इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और उसके अंदर आ रहा है निपुण भारत, निपुण भारत, ठीक है। तो निपुण भारत किसके अंदर है, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा किसके अंदर आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, समझ में आ रहा है। तो निपुण भारत किसमें आ गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, तो निपुण भारत इज ऑल्सो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर आता है, इट इज बीइंग लॉन्च्ड एज ए पार्ट ऑफ एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का पार्ट है, ठीक है। और आपका आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर फोकस किसके ऊपर करा गया है, फाउंडेशन लिटरेसी और फाउंडेशन न्यूमरेसी के ऊपर, ठीक है। फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इज ए नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस स्कीम, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इज द वट नोडल एजेंसी। इसके बाद हम देखेंगे निपुण भारत एम्स टू कवर द लर्निंग नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 ईयर, 3 से 9 साल का बच्चा, ठीक है, मतलब क्लास अगर हम देखें क्लास थर्ड तक का बच्चा क्या कर दें ये सब, तो एज है 3 से 9। आप ऐसे नहीं कि आप 12 साल के हो गए और आपको अभी निपुण भारत के अंदर ही यहाँ बैठे फाउंडेशन लिटरेसी और फाउंडेशन न्यूमरेसी के बारे में बात करें, नो, ठीक है। इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड रिटेनिंग चिल्ड्रन इन द फाउंडेशनल ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, कि भाई टीचर के अंदर पहले फाउंडेशन लिटरेसी और फाउंडेशन न्यूमरेसी होना चाहिए ना, किस तरह से बच्चों को ये प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग, टीचर कैपेसिटी बिल्डिंग, डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी एंड डाइवर्स स्टूडेंट्स एंड टीचर रिसोर्स, लर्निंग मटेरियल्स, ट्रैकिंग द प्रोग्रेस ऑफ ईच चाइल्ड इन अचीविंग लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, हर बच्चे को देखे कि वो लर्निंग आउटकम्स का किस तरह से आ रहा है, इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा निपुण भारत स्कीम के अंदर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज इसके अंदर ये बताया गया कि 5 tier सिस्टम होगा, देखो नेशनल लेवल, फिर स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और फिर स्कूल लेवल, इस तरह से यहाँ पर चलेगा। तो इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म देखें तो नेशनल, नेशन, स्टेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट विल बी उसके डिस्ट्रिक्ट के बाद ब्लॉक आएगा और ब्लॉक के बाद अगर हम आएगा यहाँ पर स्कूल लेवल आएगा। तो ये जो 5 level है, 5 tier प्रोग्राम है, तो इसमें पूछा जा सकता है 3 tier प्रोग्राम है कि 2 tier प्रोग्राम है, स्टेट और स्कूल इसके बीच में इस तरह का प्रोग्राम है कि नहीं है, ठीक है, या फिर 5 tier प्रोग्राम है, तो आपको आंसर, करेक्ट आंसर यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द हिंदू के अंदर 10 अप्रैल 2022 के अंदर एक न्यूज आई जिसके अंदर बताया गया कि बहुत सारे नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं यक्षगान मूव्स, ठीक है, यहाँ पर यक्षगान मूव जो है ना यहाँ पर कर रहे हैं, राइट। तो जब भी हिंदू में कोई न्यूज आ जाती है ना, ठीक है, अब 10 अप्रैल 2022 को ये न्यूज आई, तो ये बिकम, दिस बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखिए, ये है यक्षगान,
मूछे लगा के और आराम से पूरा का पूरा अटायर पहन कर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए हेडगेयर लगा के वो आ रहे हैं, राइट, इस तरह से, और पूरा का पूरा सुसज्जित, ठीक है, जिसको बोलते हैं ना वैसे ये लोग हैं यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एक तरह से थिएटर फॉर्म है, थिएटर समझते हैं, ठीक है, थिएटर फॉर्म है। और ये है यक्षगान जो है वो है कर्नाटक का, मतलब एक तरह से नाटक ही चल रहा है ना यहाँ पे, थिएटर फॉर्म है, थिएटर के अंदर नाटक कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो कर्नाटक, ठीक है, यक्षगान कर्नाटक। तो एक्चुअल में क्या है कि भाई जो पुरानी स्टोरीज थे, माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो होती है, ठीक है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो होती है और पुराण्स जो होती हैं, ठीक है, उनके अंदर जो कहानी दे रखी होती है उनको डिपेक्ट करते हुए ये अपना एक तरह से थिएटर बनाते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा थिएटर बना के इस तरह से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना तगड़ा वाला मेकअप कर रखा है, एलोबरेट मेकअप आप इसके अंदर बोल सकते हैं। हेडगियर पहन रखा है दोनों ने, इन्होंने भी पहन रखा है, इन्होंने भी पहन रखा है, ठीक है। और कॉस्ट्यूम्स देखिए कितनी अच्छी कॉस्ट्यूम्स के अंदर लगा रखे हैं। तो पूरे सुसज्जित होकर यक्षगान के अंदर आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यक्षगान के अंदर तीन चार फॉर्म याद कर लो, तीन चार चीजें याद कर लो। एक तो थिएटर फॉर्म है, ठीक है, थिएटर फॉर्म है। दूसरा अगर हम देखें ये कर्नाटक के अंदर, थिएटर से याद आया कर्नाटक, नाटक कर रहे हैं मतलब, ठीक है। तीसरा मैथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर ये अपना थिएटर बनाता है, मैथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर, ठीक है। चौथा पुराण के ऊपर, ठीक है। फिर मासिव हेडगेयर और ये कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम इसके अंदर पड़ते पहनते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये देखो यक्षगान, ये फोटो भी याद कर लोगे ना तो सब कुछ याद आ जाएगा, ठीक है। नाटक हो रहा है, ठीक है, एलोबरेटिव मेकअप है, मैसिव हेडगेयर है, ठीक है, और मेकअप है, राइट, इस तरह से। और मैथोलॉजिकल स्टोरीज के ऊपर ये है। तो यक्षगान इज ए ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटका, डिपेक्ट मैथोलॉजिकल स्टोरीज एंड पुराणस। इट इज परफॉर्म्ड बाय द मैसिव हेडगेयर, एलोबरेट फेशियल मेकअप एंड वाइब्रेंट कॉस्ट्यूम्स एंड ऑर्नामेंट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ये देखो इस लैंग्वेज के अंदर यहाँ पर ये लिख रखा है। तो सर ये आप कौन सी लैंग्वेज है? ये है कन्नड़ लैंग्वेज, ठीक है। नहीं समझ में आ रही ना, इसीलिए बताया, इसीलिए डाला इसको कि यार रहे कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस होती है ना वो कन्नड़ के अंदर होती है, या फिर आप देखेंगे मलयालम के अंदर, तो ये कन्नड़ या फिर मलयालम है, मलयालम, मलयालम, ठीक है, मलयालम और कन्नड़ के अंदर यहाँ पर होती है, राइट। तो आप यहाँ पर देखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर यूजुअली रिसाइटेड इन कन्नड़, इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ परफॉर्म इन मलयालम एज वेल एज टुलू, ठीक है। टुलू का है, डायलेक्ट ऑफ साउथ कर्नाटका। इट इज परफॉर्म विद द परकशन इंस्ट्रूमेंट लाइक छेदना, मंडलम, जगता, चिंगला एंड चक्रातला, ठीक है, एंड इलथम, राइट। इस तरह से यहाँ पर क्या है, इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इट्स स्टोरीज आर ड्रॉन फ्रॉम द रामायण महाभारत, जैसे मैंने आपको बताया मैथोलॉजिकल उसके अंदर से लेते हैं स्टोरीज, भगवत गीता, राइट, एंड अदर एपिक्स फ्रॉम द हिंदू एंड द जैन लिटरेचर एंड अदर एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस, ठीक है। तो अब मैं तुमको दिखाता हूँ, देखो एक्चुअल में कैसे होता है। ये सब मेकअप वेकअप कर रखा है, हेडगियर पहन रखा है। अब देखिए नाटक हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, नाटक चल रहा है। तो कोई मैथोलॉजिकल स्टोरी होगी इसके अंदर, और पीछे देखो बैठ कर म्यूजिक दे रहे हैं, म्यूजिक, ठीक है, वैसे ही दे रहे हैं और ये सब काम कर रहे हैं। और ये देखो यहाँ पर कन्नड़ लैंग्वेज लिखी हुई है, तो इससे तुमको समझ में आ रहा होगा कि कुछ कुछ ये किस तरह का होता है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज यूके रिबुक, क्या चाइना फॉर सपोर्टिंग अर्जेंटीना फॉकलैंड आइलैंड क्लेम, ठीक है। अब ये क्या है फॉकलैंड आइलैंड क्लेम, ये समझते हैं। तो अभी क्या हुआ कि चाइना ने कहा कि फॉकलैंड आइलैंड जो है, फॉकलैंड आइलैंड ये अर्जेंटीना के, तो यूनाइटेड किंगडम भड़क गया, लंदन भड़क गया, ब्रिटेन भड़क गया, राइट। रिसेंटली ब्रिटेन रिजेक्टेड द स्टेटमेंट फ्रॉम द चाइना दैट अफर्म इट्स सपोर्ट फॉर द अर्जेंटीनास क्लेम टू द फॉकलैंड आइलैंड। तो अब देखिए फॉकलैंड आइलैंड जो है ना, ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसके ऊपर यूनाइटेड किंगडम ने अपना कब्जा जमा रखा है। अर्जेंटीना बोलता है भाई साहब इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से ये मेरा है। यूनाइटेड किंगडम ने इसको कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारा ही है, और यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम का अभी क्या है रूल चल रहा है, पर अर्जेंटीना बोलता है कि ये हमारा है, ठीक है। तो देखो ये अर्जेंटीना है, राइट, आप देखेंगे यहाँ पर, और ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका यहाँ पर जो है फॉकलैंड आइलैंड है, ठीक है। सर समझ नहीं आ रहा, थोड़ा अच्छा देखो, लो अच्छा देख लो, ये देखो फॉकलैंड आइलैंड्स ये रहे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस आइलैंड्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय द यूके बट क्लेम्ड बाय द अर्जेंटीना, अर्जेंटीना बोलता है ये हमारा है। अभी चाइना ने बोला अरे भाई ये अर्जेंटीना का ही है, इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से भी अर्जेंटीना का ही है। तो देखिए फॉकलैंड आइलैंड्स आल्सो नोन एज मालवीनाज आइलैंड, ठीक है। तो ऐसे भी हो सकता है रिसेंटली मालवीनाज आइलैंड इज इन द न्यूज, है ना, 2022 की न्यूज है ये, राइट। और स्पेनिश इजाल्स मालवीनास इंटरनली सेल्फ गवर्निंग ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड किंगडम,
इन द साउथ अटलांटिक ओशन। कहां पर है? पैसिफिक के अंदर है कि अटलांटिक के अंदर है? ऐसे पूछा जा सकता है कि आर्टिक के अंदर है कि अंटार्कटिक के अंदर है, तो आप क्या रखना है? अटलांटिक के अंदर है। समझ में आ रहा है? फॉकलैंड आइलैंड्स अटलांटिक के अंदर है। किस किस के बीच में डिस्प्यूट है? यूएसए वर्सेज अर्जेंटीना, यूके वर्सेज अर्जेंटीना, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इट लाइज 300 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द सदर्न टिप ऑफ द साउथ अमेरिका एंड सिमिलर डिस्टेंस ईस्ट ऑफ स्टेट ऑफ मगेलियन। ठीक है, स्टेट ऑफ मगेलियन ईस्ट के अंदर है इसके, इस तरह से आपको इसके अंदर याद रखना है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट इन दिस वन यू कैन आस्क मी। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज वाइजर प्रोग्राम। वाइजर प्रोग्राम क्या है सर? वाइजर प्रोग्राम डब्ल्यू फॉर वीमेन, याद रखो वीमेन वाइज हो रही है। ठीक है, अच्छा वीमेन, तो वीमेन को क्या है साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, साइंस की वीमेन ज्यादा से ज्यादा साइंस और इंजीनियरिंग जो रिसर्च है, रिसर्च ठीक है, उसके अंदर उसको प्रमोट कर रहे हैं इसके अंदर। तो वाइजर प्रोग्राम क्या है? वीमेन का इन्वॉल्वमेंट हो भाई किसके अंदर? साइंस के अंदर और इंजीनियरिंग रिसर्च के अंदर, दैट इज नोन एज वाइजर प्रोग्राम। है ना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, वीमेन का इन्वॉल्वमेंट हो साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज वाइजर प्रोग्राम। है ना, तो बुद्धिमान और हो वीमेन। एक्चुअली वीमेन का स्टेम एक STEM सुना होगा आपने, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। वीमेन देखते हैं कि अपन इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करती, तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो। अभी क्या हुआ है कि 11 लोगों को वाइजर प्रोग्राम के अंदर 11 लोगों को चुना गया है। ठीक है, तो वाइजर प्रोग्राम एक तो भारत का तो है ही, इंडिया का तो है ही, और इंडिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके साथ वाइजर के अंदर जर्मनी इज ऑल्सो देयर, जर्मनी। तो इंडिया और जर्मनी का ये प्रोग्राम है, इंडो जर्मनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। ठीक है, द प्रोग्राम ऑल्सो कॉल्ड एज वीमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाय द इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर IGSTC फॉर एनकरेजिंग वीमेन रिसर्चर्स इन जॉइंट R&D प्रोजेक्ट्स। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर ये, इट इज लॉन्च टू प्रमोट वीमेन इन द फील्ड ऑफ द रिसर्च डेवलपमेंट बाय द लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री मतलब कोई इनको इस तरह से एग्जाम नहीं देना है, इनको बस अप्लाई करना है कि भाई देखो हमने ये काम करा है। देखो अब वीमेन के साथ समस्या क्या होती है, मान लीजिए वीमेन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही थी रिसर्च का, इतने में शी गॉट मैरिड एंड शी गॉट प्रेग्नेंट। अब ये प्रेग्नेंट हो जाएगी तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका 2 साल तक कैरियर गया खत्म, कैरियर ठीक है, बच्चे की केयर करेंगी, अब 2 साल तक कैरियर खत्म, तो उसके बाद फिर ब्रेक लग गया कैरियर के अंदर बहुत तगड़ा वाला, फिर ब्रेक के बाद वापस आएगी वीमेन। ठीक है, तो इतना अच्छा इसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं देखा जा रहा, यहाँ पर देखा जा रहा है कि वीमेन का जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या होता है, वो एकदम से कभी कभार बहुत सारे इसके लिए काम होते हैं, इसलिए क्या होता है वीमेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता पता साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स वाले स्ट्रीम के अंदर। तो हमको इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हुए इसके अंदर लेटरल एंट्री की तरह यहाँ पर बोला जाता है कि आपने क्या करा है रिसर्च विसर्च ये हमको बताएं और उसके बेसिस पे आपको चुना जाएगा। तो देखो इस साल जैसे 11 लोगों को चुना गया है तो ऐसा इसके अंदर रहता है। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस प्रोग्राम बाय IGSTC ए जॉइंट इनिशिएटिव डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द फेडरल मिनिस्ट्री एजुकेशन एंड रिसर्च गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी। ठीक है, इसके बाद इट विल सपोर्ट वीमेन साइंटिस्ट, वीमेन साइंटिस्ट को सपोर्ट करता है होल्डिंग रेगुलर लॉन्ग टर्म रिसर्च पोजिशन इन अकेडमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्रीज। इन्वॉल्वमेंट इन प्रोग्राम विल बी पॉसिबल थ्रू द लेटरल एंट्री। देयर इज नाइदर रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेक इन कैरियर नॉर एज लिमिट, कोई एज लिमिट भी नहीं है, ब्रेक इन कैरियर इस तरह का भी नहीं है। ठीक है, तो अभी है ना 11 वीमेन्स को जैसे चुना गया है, तो 10 वीमेन रिसर्चर्स हमेशा वीमेन इंडिया की तरफ से रहेंगी एंड 1 फ्रॉम द जर्मनी होल्डिंग रेगुलर एंड लॉन्ग टर्म रिसर्च। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म रिसर्च वाली इन अकेडमिया रिसर्च इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री सेलेक्टेड द वाइजर प्रोग्राम। अब यहाँ पर प्रोग्राम विल रिसीव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पार्टिसिपेट, अब इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, दे विल नॉट नीड टू अप्लाई फॉर द फ्रेश प्रोजेक्ट ग्रांटिंग इन द पार्टनरिंग कंट्रीज। ठीक है, फ्रेश प्रोजेक्ट में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जो ये कर रही हैं उसके ऊपर ही दे दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। अब कैसे, देखिए अगर हम देखें तो द प्रोग्राम इज ओपन टू ऑल द एरियाज ऑफ स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। द ग्रांट इंक्लूड्स फंडिंग ऑन द बेसिक प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। द टेन्योर विल बी ऑफ पीरियड ऑफ 3 years और टिल द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट विच एवर इज अर्लियर। विल कवर 1 visit per year फॉर द शॉर्ट
स्टे अप टू 1 मंथ, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रखिए, ग्रांट विल कवर बेसिक प्रोजेक्ट असिस्टेंस, ठीक है, जो भी इसके अंदर चाहिए होगा, कंज्यूमरेबल्स, कंटीजेंसीज और रिसर्च स्टाफ, ठीक है, फॉर द अवार्ड इन द पेरेंट कंट्री एंड 1 मंथ रिसर्च स्टे इन द होस्ट कंट्री, ठीक है, किसी और कंट्री, होस्ट कंट्री के अंदर रहना है तो उसके अंदर मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, प्लस वीज़ा फ्री, ये वीज़ा फ़ी, ये सब चीज़ें ये देंगे, खुद ही देंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस में प्रोवाइड करेगी। मैक्सिमम ग्रांट फॉर द 3 ईयर्स, ये आप याद रखना, 3 ईयर्स के लिए मैक्सिमम ग्रांट्स हैं, और 39 लाख रुपीज़ मैक्सिमम ग्रांट्स, बहुत है सर 39 लाख रुपीज़, तो भाई इसको खर्च भी तो करना है, खुद की सेविंग थोड़ी ना ये, राइट। हु कैन अप्लाई, अब ये 11 वीमेन ने अप्लाई करा, 11 वीमेन जो है ना उनको अवार्ड मिल गया ये, ठीक है, तो अब इनको 39 लाख रुपये मिल जाएंगे, 3 साल के लिए इनको रिसर्च करनी है, जो रिसर्च है उसको कंटिन्यू करनी है, कहीं जाना वाने का खर्चा होगा तो वही भरेंगे, कौन भरेंगे, इंडो और जर्मनी, ठीक है, इंडिया और जर्मनी, इंडिया और जर्मनी का प्रोग्राम है, और आपको मैंने बताया था जैसे कि इंडिया और जर्मनी के अंदर इंडिया जर्मनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है उसके द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, विमेन होल्डिंग रेगुलर लॉन्ग टर्म रिसर्च पोजिशन इन अकेडमिया और रिसर्च इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री, है ना, नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है, आपको करियर ब्रेक और ये सब चीज़ें भी इग्नोर कर दिया जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से आपको इसके अंदर याद रखना। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब नेक्स्ट इज स्वाइन हू सॉफ्ट शेल टर्टल, ठीक है, अब ये स्वाइन हू सॉफ्ट टर्टल जो है ना ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड टर्टल है। अगर हम देखें सभी टर्टलों में सबसे भयंकर हालत इसकी हो रखी है, ये बेचारा मरने के कगार पे है, एक्सटिंक्शन होने के कगार पे है। तो देखिए इन रिसेंट ईयर लॉट ऑफ एफर्ट हैव बीन पुट बाय द कंजर्वेटिव्स, ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट इन ऑर्डर टू सेव द वर्ल्ड्स मोस्ट एंडेंजर्ड, मोस्ट एंडेंजर्ड मतलब क्रिटिकली एंडेंजर्ड टर्टल स्वाइन हू सॉफ्ट शेल टर्टल फ्रॉम द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन, एक्सटिंक्शन के ब्रिंक से इसको बाहर निकालना है, नहीं तो ये तो मर जाएगा बच्चा, विलुप्त हो जाएगी इसकी प्रजाति। ये है, ये देखो कितना उदास है, बोल रहा है मैं विलुप्त होने वाला हूँ, कोई मुझे बचाई लो, ठीक है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो आप यहाँ पर देखिए द एनिमल इज ऑल्सो नोन एज होन कीम टर्टल और यांगते जाइंट सॉफ्ट शेल टर्टल, ठीक है, इस तरह से आप इसके अंदर देखते हैं। वियतनाम के अंदर इसका बहुत कल्चरल सिग्निफिकेंस है और ये एक तरह से सेक्रेट एनिमल है वियतनाम के अंदर, ठीक है, तो वियतनाम के लोग इसको पूछते हैं, पूछने के चक्कर में खत्म होता जा रहा है। दिस टर्टल्स आर ग्रे विद लाइट ग्रे और येलो स्पॉट्स, ठीक है, अगर आप देखेंगे लाइट ग्रे और येलो स्पॉट्स, धूप में ली गई फोटो है पर आप देखेंगे लाइट ग्रे और येलो स्पॉट्स इसके अंदर, इसके ऊपर होते हैं, ठीक है। सम रिसर्चर्स हैव हाइलाइटेड देयर इंपॉर्टेंस टू द सी फ्लोर बायोसिस्टम, कि अगर सी के अंदर नीचे 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 जाओगे तो सी फ्लोर आ जाएगी, सी ग्रासेस और ये सब चीजें, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ का जो सी फ्लोर बायोसिस्टम है इसके लिए इसका इंपॉर्टेंस है। वेयर दे कॉन्ट्रीब्यूट बाई एनरिचिंग सॉइल न्यूट्रेंट्स, ये सॉइल न्यूट्रेंट्स को एनरिच करते हैं एंड फैसिलिटेटिंग सीड डिस्पर्जन, तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो सीड जो होगा, जैसे मान लीजिए पेड़ यहाँ पर होगा तो यहीं पर सारे सीड गिर गए, अब यहाँ पर सीड गिर जाएंगे तो सीड गिरने के कारण यहाँ पे कितने पेड़ उग पाएंगे, है ना, गिरे 25 सीड थे, उगे 2-3 ही, क्योंकि फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, रिसोर्स कंपटीशन। तो यहाँ पर अगर यहाँ से मान लो स्वाइन हो टर्टल चला गया तो 1-2 सीड्स को आगे पटक देगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, ये सीड्स ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्हाट, फॉर द सी फ्लोर बायोसिस्टम, सी फ्लोर बायोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेचुरल हैबिटेट के अंदर देखिए फॉर दिस टर्टल्स आर वेटलैंड्स एंड द लार्ज लेक्स नेटिव टू चाइना और वियतनाम, चाइना और वियतनाम के अंदर नेटिव है। IUCN स्टेटस देखेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड है और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स सेकंड के अंदर आता है, ठीक है, अब ये समझ में आ रहा है। इसी तरह से एक और है एनिमल दैट इज नोन एज गोल्डन लंगूर, सर क्या बात कर रहे हैं सर, लंगूर भी गोल्डन होते हैं क्या, हाँ गोल्डन लंगूर। अभी आसाम की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, फरवरी 2022 की न्यूज है, आसाम की गवर्नमेंट डिसीजन लिया कि इनके लिए ना भाई स्पेशली हम क्या कर देंगे, गोल्डन लंगूर के लिए स्पेशली एक सेंचुरी बना देंगे। सेंचुरी बनाने से मतलब फिर लोग बाग यहाँ पर आना जाना उनका थोड़ा सा रिजर्व हो जाएगा। तो आसाम के विलेजर्स ने इसका अपोज करा कि भाई इतना सेंचुरी टैग मत दो इसको, गोल्डन लंगूर हैबिटेट को, यहाँ से हमारी लाइवलीहुड चलती है, फिर तो उनको यहाँ पर घुसने भी नहीं दोगे, ठीक है, इसलिए आसाम के विलेजर्स ने इसको अपोज करा। खैर जो भी था ये न्यूज़ के अंदर आ गया, ये भाई गोल्डन लंगूर है, बहुत ही आलसी टाइप का बंदा है, ठीक है। तो देखिए फाउंड इन द स्मॉल रीजन ऑफ द वेस्टर्न आसाम, वेस्टर्न आसाम के स्मॉल रीजन के अंदर पाया जाता है इन इंडिया एंड इज द नेबर नेबरिंग फुट हिल्स ऑफ द ब्लैक माउंटेन्स ऑफ द भूटान, ठीक है, यहाँ पर भूटान और आसाम के अंदर पाया जाता है, मतलब आप ये समझ सकते हैं। गीज गोल्डन लंगूर भी बोल सकते हैं और गोल्डन लीफ मंकी भी इसको बोल सकते हैं। तो वेस्टर्न आसाम के अंदर एंडेमिक है, मतलब यहीं पर पाया जाता है और इंडिया के अंदर और सदर्न भूटान के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका जो हैबिटेट है
उसके अंदर क्या है कि गाय भैंस बकरी सब आती हैं, ठीक है, और वो खा के चली जाती हैं। वुड लॉगिंग, वुड जिस पे ये लटक रहा है ना, नीचे से काट दें इसको मान लो यहाँ से, और इसका फर्नीचर बना दें, तो ये बेचारा किस पे लटकेगा फिर। तो यहाँ पर देखें, अगर वुड लॉगिंग टिम्बर कलेक्शन के कारण, हंटिंग के कारण गोल्डन लंगूर दिख जाए, तो तुम्हें भी इच्छा नहीं होगी यार ये गोल्डन लंगूर को, चलो देखते हैं कैसा जानवर है, और हाथ में तीर कमान होंगे तो चला दोगे तुम। स्टोन क्वारिंग, ठीक है, आर्टिलरी फायर प्रैक्टिस इन द बामुनी हिल्स, बामुनी हिल्स के अंदर जो पत्थर तोड़ने का काम चलता है, तो उसके अंदर जो साउंड होती है उसके कारण ये प्रॉब्लम में रहता है, राइट। तो ये सारे हैं जिससे कि इसका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, और इसको अगर हम देखेंगे तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो दिस इज ए एंडेंजर्ड कैटेगरी, राइट, गीज गोल्डन लंगूर। चलिए इसके अलावा हम देखें कि BSF ने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है सर्द हवा, ठीक है, जनवरी 23 से लेकर 28 तक ये ऑपरेशन चलाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है सर्द हवा ऑपरेशन क्या है, तो BSF सबसे पहले राजस्थान के अंदर BSF जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसने ये ऑपरेशन चलाया। ऐसे पूछ सकता है RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने चलाया है कि BSF ने चलाया है, कि हमारा जो है CRPF ने चलाया है कि CISF ने चलाया है, ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अंदर इस तरह से कराया हुआ है कि जब सर्दी पड़ती है, इस टाइम सर्दी पड़ रही है, ठीक है ना, पिछले साल इस साल भी पड़ी होगी, पिछले साल भी पड़ी होगी, राइट। इस टाइम सर्दी पड़ती है तो फॉग ही फॉग इकट्ठा हो जाता है। ओ यस सर, फॉग इकट्ठा होता है, तो कोई आ सकता है यहाँ से पाकिस्तान के अंदर से निकलकर भारत में आ सकता है, समझ में आ रहा है। तो इस कारण से यहाँ पर ऑपरेशन सर्द हवा का मतलब होता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल तैनात, ऐसे ही आके खोल के रखे खड़े रहेंगे सब, ठीक है, सिक्योरिटी तैनात वाली। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लॉन्च ऑपरेशन सर्द हवा एट द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ द राजस्थान अंडर विच विजिल विल बी बीफ्ड अप, ठीक है, टू चेक द इंस्टांसिस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ड्यू टू द डेंस फॉग इन द एरिया। द ऑपरेशन विल बी कैरिड आउट फ्रॉम द जनवरी 23 टू 28, 23 से लेकर 28 जनवरी तक ये चलेगा। BSF कंडक्ट्स ऑपरेशन गर्भ हवा इन समर एंड ऑपरेशन सर्द हवा इन विंटर एवरी ईयर। पर कौन करता है? BSF करता है, ये आपको याद रखना चाहिए। सर BSF कौन होता है? BSF एक सेंट्रल आर्म फोर्स है, पुलिस फोर्स है, दैट फंक्शंस अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। 1965 को इसको बनाया गया था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, इज डिप्लॉयड अलोंग द पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर्स, ठीक है, इट आल्सो डिप्लॉय इन द एरिया जहां पर नक्सलिज्म लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होता है। इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास गाइस, थैंक यू सो मच। अपन ने आधे घंटे के अंदर ही कम से कम, नहीं तो 10 न्यूज अपन ने इसके अंदर पढ़ ली है, ठीक है, याद भी कर ली है, राइट, मोर देन 10 न्यूज, ठीक है। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस करंट अफेयर्स, कम समय के अंदर ज्यादा आपको यहाँ पे कंटेंट मिलता है और कंटेंटफुल मिल रहा है, जिससे कि आपको कहीं और रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी। सभी बच्चे इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, सभी बच्चे मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, सभी बच्चे अनअकैडमी का अभी बहुत सारे सभी बच्चे इसको शेयर कर सकते हैं, सभी बच्चे लाइक कर सकते हैं, और जो बच्चे जो जिनको मतलब जिनको अच्छा लगा हो वही लाइक करें प्लीज़, ठीक है। और जिन बच्चों को ज़्यादा अच्छा लग गया कि सर इससे तो अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती, वो कमेंट भी कर दें। आफ्टर कमेंट सेक्शन विल गेट ओपन, ठीक है, आफ्टर 10 मिनट्स और 15 मिनट्स कमेंट सेक्शन विल गेट ओपन, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं 5 बजे इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस ऑन स्पेशल क्लास, कहाँ पर होती है? अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर मुझको जाकर फॉलो कर लो और आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच।